गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट सेकंड की जो हमारी क्लास है उसके अंदर जूलॉजी के अंदर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप्स के अंदर ग्रॉस हॉपर टिड्डा जो जंतु है उसकी स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, देखिए टिड्डा या ग्रॉस हॉपर के अंदर रेस्पिरेशन एरियल रेस्पिरेशन पाया जाता है और मेन जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है श्वसनीय अंग क्या होता है इनका ट्रैकिया, ट्रैकिया मेन श्वसन अंग पाया जाता है। इसी वजह से इनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम ट्रेकियल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, ट्रेकिया जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये जो हमारे स्क्विमोस एपिथेलियम, स्क्विमोस एपिथेलियल जो सेल्स है उनकी एक जो है वो सिंगल लेयर की बनी हुई संरचनाएं होती हैं और इन लेयर्स के द्वारा इनके आंतरिक सतह पर जो है वो क्यूटिकल्स का स्रावण किया जाता है। ओके, देखिए संपूर्ण बॉडी के अंदर, ग्रॉसोपर की संपूर्ण बॉडी के अंदर हम देखें तो उसके बॉडी में डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस और लेटरल सरफेस पर एक एक जोड़ी, दो डॉर्सल, दो वेंट्रल और दो लेटरल साइड्स के अंदर क्या पाई जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक्स पाई जाती है। ओके, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्यूब्स जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक्स भी कहते हैं, जो एक जोड़ी डॉर्सल सरफेस पर, एक जोड़ी वेंट्रल सरफेस पर और दोनों लेटरल साइड्स के अंदर एक एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स के रूप में पाई जाती है। और जो ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स होती है ये जो है वो सेगमेंटल ट्रेकिया, सेगमेंटल ट्रेकियल ट्यूब्स के द्वारा आपस के अंदर जो है वो कनेक्टेड रहती हैं, कम्युनिकेट रहती हैं। ये जो सेगमेंटल ट्रेकियाज होती हैं ये ट्रांसवर्सली प्लेस रहती है, एक अनुप्रस्थ श्वसन नलिकाओं के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स जो होती हैं वो आपस के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। देखिए ग्रॉस हॉपर और कुछ अन्य इंसेक्ट्स लाइक हनी बी, इनके अंदर क्या होता है, बॉडी के कुछ पार्ट्स के अंदर ट्रेकिया जो होती है वो डायलेटेड होकर फूल कर एक सैक नुमा संरचनाएं बनाती है। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं, ये संरचनाएं एयर सैक कहलाती हैं। ओके, और एयर सैक जो है वो जंतु को अंदर वायु की स्टोरेज और एयर के एक जो है वो इजी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती है। ओके, अब जो ये जो ट्रेकिया है बॉडी के अंदर, ये ट्रेकिया एक बिल्कुल फाइन वेसल्स के रूप में या फाइन ट्यूब्यूल्स के अंदर हाईली ब्रांच हो जाती है और ये ट्यूब्यूल्स या फाइनल वेसल्स क्या कहलाती है, ये फाइनल वेसल्स कहलाती है ट्रैकियोल्स। ओके, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रैकियोल्स कहते हैं। और ट्रैकियोल्स जो है वो संरचनाएं होती हैं जो कि बॉडी के प्रत्येक टिश्यू या प्रत्येक सेल के साथ में संपर्कित होती हैं। ओके, ये ट्रैकियोल्स एक प्रकार की ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका जो बिल्कुल लास्ट जो इनका पार्ट होता है वहां पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है और ट्रैकियोल्स अप्रोक्सीमेटली ग्रॉस ओवर के अंदर 1 माइक्रो डायमीटर की जो है ये वेसल्स या ट्यूब्यूल्स होती हैं। ओके, देखिए यदि हम ट्रेकिया की बात करें तो ट्रेकिया की जो इनर वॉल होती है बच्चों, इस इनर वॉल के अंदर क्यूटिकल की एक स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है, एक स्पाइरल क्यूटिकुलर लाइनिंग पाई जाती है जो क्या कहलाती है, टीनिडिया कहलाती है। ओके, और ये जो टीनिडिया, ये स्पाइरल कॉइलिंग है जो क्यूटिकल की, वो ट्रेकिया को पिचकने से या उसको कॉलेप्स होने के बचाने का कार्य करती है। लेकिन इस प्रकार की टीनिडिया जो है वो ट्रेकियोल्स के अंदर और एयर सैक जो संरचना है उसके अंदर नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है। ओके, ट्रेकियोल्स जो है अभी जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली बॉडी टिश्यू के साथ में संपर्कित होती है और ट्रेकियोल्स के द्वारा ही बाय द डिफ्यूजन मेथड ऑक्सीजन प्रत्येक सेल्स या टिश्यू तक पहुंचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है। ओके, हमने जो बात करी थी हमारे जो लेटरल जो लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ट्रेकियल ट्रंक्स जो होती हैं वो हमारा जो बॉडी का जो हमारी
जंतु की बॉडी के बाहर की तरफ कम्युनिकेट रहती है किसके द्वारा, 10 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स के द्वारा बाहर की वायु के साथ में संपर्कित रहती है। 10 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स जो है वो ग्रासहॉपर के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से 2 pairs, दो जोड़ी कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, थोरैक्स रीजन के अंदर पाए जाते हैं, और रिमेनिंग 8 जोड़ी, 8 pairs कहाँ पाए जाते हैं, एब्डोमिनल सेगमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं ये थोरैक्स और एब्डोमन जो रीजन है उसके लेटरल साइड्स के अंदर एक रो के अंदर अरेंज रहते हैं। ओके और स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो एक राउंड स्क्लेराइड एक्यूटिकुलर संरचना के द्वारा एनक्लोज रहते हैं। ये क्या कहलाती है संरचना, पेरिट्रीम संरचना कहलाती है। और इसके अलावा स्पाइरेकल्स की जो ओपनिंग होती है बच्चों वहां पर वॉल्स भी पाए जाते हैं। ओके प्रत्येक स्पाइरेकल्स के अंदर वॉल्स पाए जाते हैं, और वॉल्स, ये वॉल्स जो होते हैं वो मसल्स एंड नर्व्स के द्वारा इनर्वेट रहते हैं। ओके देखिए जब जंतु श्वसन करता है रेस्पिरेशन के दौरान, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब जंतु जो है वो एयर ग्रहण करता है, उस टाइम पे उनके जो फर्स्ट 4 स्पाइरेकल्स, जो पहले के 4 स्पाइरेकल्स होते हैं वो खुले हुए रहते हैं, और एयर जो होती है इन 4 स्पाइरेकल्स के द्वारा बॉडी के अंदर एंटर करती है, और एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन उस टाइम पे लास्ट के जो 6 pairs स्पाइरेकल्स होते हैं वो ओपन होते हैं। ओके जिसके थ्रू बॉडी से बाहर वापस वायु को बाहर निकाला जाता है। ओके देखिए इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑफ द मसल्स द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द बॉडी फ्लूइड अराउंड द ट्रैकियोल्स इंक्रीजेस। जंतु के अंदर जब मस्कुलर एक्टिविटीज होती है तो उस टाइम पे ट्रैकियोल्स के आसपास का जो बॉडी फ्लूइड है उसका प्रेशर जो होता है वो कंसंट्रेशन जो है उस बॉडी सब्सटेंस की उस बॉडी फ्लूइड के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम ट्रैकियोस इनटू द सराउंडिंग एरिया कंप्लीट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर अंतर आता है, जिसकी वजह से ट्रैकियोस के अंदर जो फ्लूइड उपस्थित है उसमें से वाटर जो होता है वो डिफ्यूजन विसरण के द्वारा जो है वो रेस्पेक्टिव जो सेल्स है वहां तक पहुंचाया जाता है, और इसी डिफ्यूजन विधि के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो सराउंडिंग टिश्यूज तक पहुंचाई जाती है, इनटेक की जाती है। ओके आफ्टर एक्टिविटी स्टॉप, जब मस्कुलर एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स दैट चेंज द ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ एंड द वाटर रिटर्न्स टू द ट्रैकियोल। जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, और जो ट्रैकियोल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो वापस से फिल हो जाता है। ओके देखिए अभी हमने बात करी थी थिन वॉल्ड एयर सैक्स, हमने कहा ट्रैकियोल बॉडी जो है क्रॉस ओवर की उसके अंदर कुछ रीजन के अंदर ट्रैकिया जो होती है वो डायलेटेड होकर फूल कर एयर सैक्स बनाती है, और बेसिकली ये एब्डोमन रीजन के अंदर पाया जाता है। ओके ये जो एयर सैक्स होते हैं वो जंतु के अंदर वायु के प्रवेश और वायु को बाहर निकालने के अंदर एक प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं, जो कि एब्डोमन के जो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन के द्वारा संभव होता है। ओके देखिए ग्रॉस ऑपर के अंदर इस जंतु के अंदर जो स्पाइरेकल्स, जो 10 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, इनका जो एक्शन होता है वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर होता है। किस प्रकार से, जैसे अभी हमने बताया एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, फर्स्ट 4 pairs ऑफ स्पाइरेकल, जो पहले के 4 जोड़ी स्पाइरेकल्स होते हैं वो खुले रहते हैं जिसके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है, इस टाइम पे जो लास्ट के 6 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं। ओके और जब एक्सपायरेशन होता है तब जो हमारे लास्ट के 6 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स वो ओपन होते हैं, जिसके द्वारा वायु जो होती है वो बॉडी से बाहर निकाली जाती है, और इस टाइम पे हमारे जो 4 pairs ऑफ स्पाइरेकल्स होते हैं वो उस टाइम पे बंद रहते हैं। तो एक सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर इनके स्पाइरेकल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। ओके
यदि हम इसको डायग्राम से देखें तो ये देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है क्रॉस ओवर का, जिसके अंदर ट्रेकियल नेटवर्क दिखाया गया है। देखिए यदि हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पर ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, दीज आर द स्पाइरेकल्स। ओके, स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, 10 जोड़ी स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं। देखिए ये स्पाइरेकल्स जो होती है वो अंदर की तरफ एक नैरो स्पेस के अंदर खुलते हैं जो कि एट्रियम कहलाता है, और फिर ये एट्रियम जो है आगे चल के ट्रेकियास के द्वारा जो होता है संपर्कित रहता है, और ये ट्रेकिया पूरे बॉडी के अंदर एक प्रकार का नेटवर्क बनाते हैं। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेटरल साइड्स के अंदर आपको जो है लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स जो है वो दिखाई दे रही है। ये लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स जो होती है वो ट्रांसवर्स ट्रंक्स के द्वारा आपस के अंदर जुड़ी भी रहती है, तो इस प्रकार से क्या होता है एक नेटवर्क बन जाता है इन ट्रेकियास का। ओके, यहाँ पे हम देखें तो जंतु के वेंट्रल साइड के अंदर यहाँ पे वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स दिखाई दे रही है आपको। ओके, और लेटरल साइड्स के अंदर देयर इज द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स दिखाई दे रही है, और डॉर्सल साइड पे दीज आर द डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ट्रंक्स। ओके, अब यहाँ पे ट्रेकिया जो है इन थॉरेक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन के अंदर डायलेटेड होकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाने फूली भी संरचना जो क्या कहलाती है एयर सैक्स कहलाती है। एयर सैक्स आपको एब्डोमेन रीजन के अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं। ओके, और इसी प्रकार का एक एयर सैक हमारे सिफेलिक जो हेड रीजन है वहां पे उपस्थित ट्रेकियास के द्वारा भी बनाया जाता है। ओके, तो स्पाइरेकल्स के थ्रू जो है बॉडी के अंदर वायु प्रवेश करती है, इसको इंस्पायरेशन कहते हैं प्रोसेस को, और इस प्रोसेस के दौरान जो प्रथम चार जोड़ी स्पाइरेकल्स होते हैं बच्चों ये ओपन रहते हैं जिसके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करती है। ओके, और ट्रेकियोस जो कि ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है वहां पे फ्लूइड उपस्थित होता है, वहां तक पहुंचकर ये जो ऑक्सीजन एयर के साथ ऑक्सीजन इनटेक करता है जंतु, और विसरण विधि के द्वारा ये ऑक्सीजन बॉडी के संपूर्ण टिश्यूज के अंदर या सेल्स तक पहुंचाई जाती है। ओके, और इन सेल्स के अंदर उपस्थित जो मेटाबॉलिक वेस्ट के रूप के अंदर जो हमारी CO2 गैस उपस्थित है जंतु की बॉडी के अंदर, वो विसरण विधि के द्वारा ही ट्रेकियोस के अंदर वापस जो है वो आती है। और जब हमारे जो लास्ट के 6 पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स ओपन होते हैं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, उस टाइम पर वो CO2 जो है वो वायु के साथ में बॉडी से बाहर प्रवाहित कर दी जाती है। तो इस प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम ग्रासहॉपर के अंदर पाया जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे जंतु के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, उत्सर्जी तंत्र। देखिए अधिकांश इंसेक्ट्स के अंदर उत्सर्जी तंत्र जो है वो किसका बना हुआ होता है, मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, जो हम पिछली कक्षाओं के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ग्रासहॉपर के अंदर भी मुख्य उत्सर्जी अंग मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है। ये मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या होती है, ये बिल्कुल जो है महीन धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कॉइल ट्यूब्यूल्स होती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है जैसे मैंने पिछली कक्षाओं के अंदर बताया, और ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जो होती है वो हीमोसिलोमिक कैविटी के अंदर कुंडलित अवस्था के अंदर हमारा जो मिड कट और हाइंड कट जंक्शन, जो एलिमेंट्री कैनाल का मिड कट और हाइंड कट का जो जंक्शन है वहां से अराइज होकर हीमोसिलोमिक कैविटी में कुंडलित रूप से पाई जाती है। और ये ओपन होती है मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे, एंटीरियर एंड ऑफ द हाइंड कट, हाइंड कट का जो एंटीरियर एंड है इलियम के अंदर ये जो मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स ओपन होती है। नियर द जंक्शंस ऑफ स्टोमक एंड इलियम, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का स्टोमक और इलियम का जो जंक्शन है वहां पर महीन थ्रेड नुमा संरचना के रूप में ये पाई जाती है। ओके, यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स का, तो प्रत्येक जो नलिका जो है वो किस प्रकार की होती है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होती है। ओके, और प्रत्येक जो नलिका होती है वो एक पतली भित्ति, एक जो है कोशिकाओं की पतली भित्ति के स्तर की बनी हुई रहती है, जिसमें बाहर की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और अंदर की तरफ एक माइक्रोविलाय का स्तर जो है वो लाइनिंग पाई जाती है, जो कि एक प्रकार से जंतु की जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्रश बॉर्डर का निर्माण करती है। ओके, ये जो मैनपिगियन ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या करती है, जो हीमोसिलोमिक कैविटी है, हीमोसिलोम है जो जंतु का, वहां से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के रूप में को जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है। ओके,
वहां से ये उत्सर्जित पदार्थों को ग्रहण करती है और ये उत्सर्जित पदार्थ मैल्पेगियल ट्यूबुल्स के ल्यूमन के अंदर पहुंचाए जाते हैं। ओके, देखिए अब यदि हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पे जो है आप मैल्पेगियल ट्यूबुल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे, दिस इज द मिड गट एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, हाइंड गट और यहाँ के जंक्शन पे यहाँ पे महीन थ्रेड नुमा संरचनाएं ये मैल्पेगियल ट्यूबुल्स पाई जाती हैं। ओके, प्रत्येक मैल्पेगियल ट्यूबुल्स यदि हम टीयर्स देखें तो अभी जैसे मैंने बताया एक जो है वो सिंगल लेयर के द्वारा ये जो है वो भित्ति इसकी पाई जाती है। इसकी लेयर होती है जिसके अंदर आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ माइक्रोविलाई का स्तर होता है जो कि ब्रश बॉर्डर बनाता है। दिस इज द ल्यूमन ऑफ द ट्यूबुल। यदि हम इसका फिजियोलॉजी देखें ट्यूबुल की तो इसके अंदर ब्लाइंड ट्यूबुल्स होती है जिनका जो है इलियम के साथ या हमने हाइंड के साथ जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो इसका प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है और दूसरा ब्लाइंड एंड जो है वो इसका डिस्टल एंड कहलाता है। ओके, डिस्टल एंड वाला जो पार्ट होता है वहां से बाय द डिफ्यूजन मेथड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जंतु के इन द फॉर्म ऑफ यूरेट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड वो हीमोसील से हीमोसिलोमिक कैविटी या हीमोलिम से एक्सट्रैक्ट करके इनकी ल्यूमन के अंदर पहुंचाए जाते हैं। ओके, इनके ल्यूमन के अंदर आने के बाद में जो ट्यूबुल्स का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है यहाँ की यहाँ पर जो है इन एक्सक्रीटरी मटेरियल में से H2O वाटर का जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। ओके, जब यहाँ से जल का अवशोषण हो जाता है तो अब उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है हमारा, उत्सर्जित पदार्थ होता है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार का जो मैल्पेगियल ट्यूबुल्स के द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ है वो जो सॉलिड यूरिक एसिड के रूप में या यूरेट के रूप में वापस जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके इलियम के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यहाँ से फाइनली जो है थ्रू द एनस फीकल मैटर के साथ साथ में ये उत्सर्जित पदार्थ भी बॉडी से बाहर पास आउट कर दिए जाते हैं। ओके, बेसिकली मैल्पेगियल ट्यूबुल्स जो है हीमोसिलोमिक कैविटी से रिमूव करे यूरिक एसिड यूरिया यूरेट कैल्शियम कार्बोनेट एंड ऑक्सेलेट और साल्ट्स को जो है वो हीमोसिलोमिक कैविटी से रिमूव करने का कार्य करती है। ओके, तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे ग्रासहॉपर का नर्वस सिस्टम। ग्रासहॉपर का नर्वस सिस्टम बच्चों तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से पार्ट? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किन किन से बना हुआ है? देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन जिसको हम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी कहते हैं, इसके अलावा इसोफेजियल कनेक्टिव और सब इसोफेजियल गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व बोर्ड, इन चार संरचनाओं से जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। ओके, ब्रेन जिसको सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया भी कहा जाता है ये कहाँ पाया जाता है? देखिए ब्रेन जो है वो जंतु के डॉर्सल साइड के अंदर जस्ट अबव द इसोफेगस इसोफेगस के ऊपर सिचुएटेड रहता है। ओके, ब्रेन की यदि हम बात करें बच्चों तो ब्रेन जो होता है वो हमारा हेड रीजन के अंदर तीन जोड़ी जो गैंग्लिया होते हैं उनके फ्यूजन से बनता है। ओके, ये कौन कौन से गैंग्लिया होते हैं? प्रोटोसेरिब्रम ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम, ये तीन प्रकार के गैंग्लिया जो है इनके थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया का निर्माण होता है और इन्हीं जो ये थ्री पेयर्स ऑफ फ्यूज गैंग्लिया है ये इनके द्वारा आईज एंटीना लेब्रम और ऑसिलाइज को नर्व सप्लाई की जाती है। ओके, अब ये ब्रेन जो होता है वो इसोफेगस के दोनों तरफ एक एक कनेक्टिव पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव। इनके द्वारा ब्रेन इसोफेगस के नीचे स्थित एक अन्य गैंग्लिया जो कहलाता है सब इसोफेजियल गैंग्लिया उसके द्वारा उससे जुड़ा हुआ रहता है। सब इसोफेजियल गैंग्लिया बच्चों फिर तीन प्रकार
प्रकार के गैंग्लिया के जो है थ्री पेयर्स ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से बनाता है। कौन कौन से गैंग्लिया? वन पेयर ऑफ मैंडिबुलर, वन पेयर ऑफ मैक्सिलरी एंड वन पेयर ऑफ लेबियल जो गैंग्लिया होते हैं, इनके फ्यूजन से सब इसोफेगियल गैंग्लिया का निर्माण होता है। ओके, सब इसोफेगियल गैंग्लिया जो है वो इसोफेगस के नीचे और जस्ट अबव द माउथ पार्ट जो है इन द मिडिल ऑफ द हेड ये पाया जाता है। ओके, अब जो सब इसोफेगियल गैंग्लिया है बच्चों, उनसे एट पेयर्स नर्व्स अराइज होती हैं, जो कहाँ का नर्व सप्लाई करती है? मैंडिबल, मैक्सिली, लेबियम, हाइपोफेरिंस, नेक, हेड रीजन और सलाइवरी रीजन जो है सलाइवरी ग्लैंड्स को नर्व सप्लाई करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। ओके, अब हम बात करें सब इसोफेगियल गैंग्लिया से एक अन्य नर्व कॉर्ड अराइज होती है। सब इसोफेगियल गैंग्लिया का जो पोस्टीरियर एंड होता है, लास्ट एंड होता है, वहां से वेंट्रल नर्व को एक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड अराइज होती है। ओके, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होती है वो बॉडी के मिड वेंट्रल लाइन से होती हुई बॉडी के लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती है। ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड किसकी बनी हुई होती है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है जो कि पेयर्ड गैंग्लिया और लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स के द्वारा बनी हुई रहती है। ओके, तो जो कि जंतु के जो बॉडी का पोस्टीरियर एंड तक मिड वेंट्रल लाइन के अंदर सिचुएटेड रहती है। ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के अंदर संपूर्ण लंबाई के अंदर थ्री थोरेसिक गैंग्लिया, तीन थोरेसिक गैंग्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं और फाइव एब्डोमिनल गैंग्लिया इनमें पाए जाते हैं। ओके, देखिए ईच थोरेसिक सेगमेंट्स कंटेन अ वन पेयर ऑफ गैंग्लिया। प्रत्येक थोरेसिक सेगमेंट जो हमारा प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है, उनके अंदर एक एक गैंग्लिया पाए जाते हैं। ये गैंग्लिया एक प्रकार के बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसके अंदर जो मेटाथोरेसिक सेगमेंट के अंदर जो गैंग्लिया पाया जाता है बच्चों, वो अपेक्षाकृत बड़ी साइज का होता है। क्यों? क्योंकि ये गैंग्लिया जो होते हैं वो जो फर्स्ट थ्री एब्डोमिनल गैंग्लिया, फर्स्ट थ्री एब्डोमिन सेगमेंट्स के जो गैंग्लिया होते हैं उनका भी फ्यूजन इस गैंग्लिया के अंदर होता है, जिसकी वजह से मेटाथोरेसिक गैंग्लिया जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ओके, इसी प्रकार से जो हमारा एब्डोमन के अंदर जो फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लिया होता है वो भी काफी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये भी जो लास्ट के जो हमारे फोर पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल गैंग्लियाज होते हैं लास्ट के, उनके फ्यूजन से बना हुआ रहता है। ओके, देखिए ये जो हमारे गैंग्लियाज हैं, इसके अलावा ये तो बात ही हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, इसके अलावा जंतु के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार हम इस जंतु का जो है नर्वस सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। ओके, देखिए यहाँ पे ग्रासहॉपर का नर्वस सिस्टम डॉर्सल व्यू के अंदर समझाया गया है। आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन जो होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? जो इसका हेड रीजन होता है वहां पर डॉर्सल साइड पर इसोफेगस के ऊपर ब्रेन स्थित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो होता है वो इसोफेगस के दोनों तरफ एक सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव्स के द्वारा इसोफेगस के नीचे स्थित एक अन्य गैंग्लिया जो कहलाता है सब इसोफेजियल गैंग्लिया, उसके द्वारा ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया कनेक्टेड रहता है। ओके, सब इसोफेजियल गैंग्लिया के पीछे की तरफ से मिड वेंट्रल लाइन के अंदर देखिए आपको यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ओके, ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है वो थॉरेक्स रीजन के अंदर थ्री साइड्स के अंदर गैंग्लियोनेटेड होती है। थ्री गैंग्लिया इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट जो प्रोथोरेक्स रीजन के अंदर उपस्थित प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेक्स के अंदर उपस्थित मीजोथोरेसिक गैंग्लिया एंड मेटाथोरेक्स रीजन के अंदर उपस्थित मेटाथोरेसिक गैंग्लिया कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा मेटाथोरेसिक गैंग्लिया जो है वो अपेक्षाकृत बड़ी साइज का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट थ्री
एब्डोमिनल गैंग्लिया है वो भी इसके अंदर फ्यूज होते हैं। ओके, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया के नीचे की तरफ 5 आपको यह दिखाई दे रहे होंगे, 5 इसके अंदर एब्डोमिनल गैंग्लिया पाए जाते हैं। ओके, 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया सिचुएटेड होते हैं, जिसके अंदर 5th एब्डोमिनल गैंग्लिया जो होता है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट के एब्डोमिनल 4 एब्डोमिनल सेगमेंट्स के गैंग्लिया होते हैं वो इसके साथ में फ्यूज रहते हैं। ओके, प्रत्येक ये गैंग्लिया होते हैं ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है जो कि 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है, और ये संपूर्ण संरचना क्या कहलाती है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे हम ग्रॉस ओवर के ब्रेन का डॉर्सल व्यू देख रहे हैं। देखिए, अभी हमने बात करा था ब्रेन जो है वो 3 पेयर्स ऑफ फ्यूज्ड गैंग्लिया से बनी हुई संरचना होती है। कौन कौन से गैंग्लिया पाए जाते हैं इसके अंदर? प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटोसेरेब्रम एंड ट्राइटोसेरेब्रम। ओके, देखिए इसके अंदर जो प्रोटोसेरेब्रम होता है वो उससे नर्व्स अराइज होती हैं जो कि ऑप्टिक, जिसको हम ऑप्टिक गैंग्लिया भी कह सकते हैं, ये ऑप्टिक लोब होता है इसके अंदर। यहाँ से नर्व्स अराइज होती हैं जो कि ऑप्टिक नर्व्स के रूप में होती है, जो कि रेस्पेक्टिव जो हमारा कंपाउंड आइज होती है उनको नर्व सप्लाई करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा जो ड्यूटोसेरेब्रम है, जो फर्स्ट सेरेब्रम था जिसे प्रोटोसेरेब्रम, उससे 3 महीन ऑसिलरी नर्व्स भी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ नर्व्स टू मीडियन ऑसिलस। ओके, हियर इज द नर्व्स टू मीडियन ऑसिलस एंड हियर इज द नर्व्स टू लेटरल ऑसिलस, ये भी प्रोटोसेरेब्रम से अराइज होती है। ओके, फिर बात आती है ड्यूटोसेरेब्रम। ड्यूटोसेरेब्रम से 1 पेयर ऑफ एंटीनरी नर्व्स अराइज होती है, दिस इज द ड्यूटोसेरेब्रम, जो कि रेस्पेक्टिव एंटीना को नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है। ओके, थर्ड दैट इज हम कहते हैं जिसको ट्राइटोसेरेब्रल लोब। ओके, दिस इज द ट्राइटोसेरेब्रल लोब। इस ट्राइटोसेरेब्रल लोब से 1 पेयर फ्रंट, जिसको हम लेबियो फ्रंटल नर्व कहते हैं, वो अराइज होती है। देखिए, ट्राइटोसेरेब्रम से अराइज होने वाली जो लेब्रो फ्रंटल नर्व है, ये लेब्रो फ्रंटल नर्व जो होती है इनमें से एक ब्रांच जिसको हम लेब्रम नर्व कहते हैं, ये लेब्रम को नर्व सप्लाई करने का कार्य करती है, और अनदर जो होती है दिस इज द फ्रंटल नर्व, जो कि फ्रंटल गैंग्लिया जो कि हमारा जो ब्रेन है उसके सामने स्थित फेरिंग्स के ऊपर स्थित होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, उसको इनर्वेट करने का, नर्व इनर्वेट करने का कार्य करती है। ओके, तो ये जंतु का जो है हमने नर्वस सिस्टम, डॉर्सल व्यू और ब्रेन का देखा। यदि हम इसी को और ज्यादा इलाबोरेट करें तो ये डायग्राम हमें इस प्रकार का दिखाई देता है। देखिए ब्रेन, ओके, ऑप्टिक लोब जो प्रोटोसेरेब्रम से बना हुआ है, दैट इज अ सब इसोफेजियल गैंग्लिया। ओके, सब इसोफेजियल गैंग्लिया, इसोफेजिया जिसको हम सर्कम इसोफेजियल कनेक्टिव के द्वारा, ब्रेन जो है सब इसोफेजियल गैंग्लिया से कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपको प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मेसोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक गैंग्लिया जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और रिमेनिंग जो है दिस इज अ एब्डोमिनल गैंग्लिया। ओके, देखिए जंतु का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या जिसको हम विसरल नर्वस सिस्टम, स्टोमेटोगैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जैसे पिछली कक्षाओं में मैंने बताया, इसके अंतर्गत ब्रेन के सामने जो फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स के ऊपर एक गैंग्लिया उपस्थित होता है जो फ्रंटल गैंग्लिया कहलाता है, और इसके अलावा ब्रेन के पीछे इसोफेगस के ऊपर स्थित एक अन्य गैंग्लिया विच इज नॉन एज द ऑक्सीपिटल गैंग्लिया, और इंटेस्टाइन या हम क्या एलिमेंट्री कैनाल के जो गैस्ट्रिक सीका होते हैं उनके सामने स्थित एक अन्य गैंग्लिया जो कहलाता है इंग्लूवियल गैंग्लिया। इन 3 गैंग्लिया से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन से गैंग्लिया? ग्रसनी के ऊपर जो फेरिंक्स रीजन है वहां पे हमारा फ्रंटल गैंग्लिया, ओके, और इसोफेगस के ऊपर स्थित ब्रेन के पीछे और इसोफेगस के ऊपर स्थित जो हमारा ऑक्सीपिटल गैंग्लिया है, गैस्ट्रिक सीका के पास में स्थित इंग्लूवियल गैंग्लिया, इनसे मिलकर क्या बना होता है? सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम, ओके। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसे नर्व सप्लाई करने का कार्य करता है, हार्ट को, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनको नर्व सप्लाई करने का कार्य जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने ये नर्वस सिस्टम क्रॉसओवर का कंप्लीट किया है।